स्वागत है दोस्तों। तो इस वक्त रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। रायपुर शहर में अब बसों की नो एंट्री कलेक्टर ने जारी किया आदेश। रिंग रोड होते हुए भाटागांव के स्टैंड तक ही जाएंगी यात्री बसें। रायपुर में अब बसों को एंट्री नहीं मिलेगी। कलेक्टर सौरभ कुमार ने शहर के भीतर बसों की एंट्री को बैन कर दिया है। अब सभी बसें रिंग रोड होते हुए भाटागांव में बने नए बस स्टैंड में जाएंगी। यहां से यात्री ऑटो या टैक्सी के जरिए शहर के अंदर अलग अलग इलाकों में जा सकेंगे। अब तक बस स्टैंड शहर के भीतर पंडरी में था। राज्य के दूसरे शहरों और दूसरे प्रदेशों से भी बसें पंडरी तक आती थीं। मगर अब ये सभी बसें भाटागांव बस स्टैंड से ही रवाना होंगी। शहर में इन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर ने अपने आदेश में साफ किया है कि शहर के भीतर सिटी बस और स्कूल बस चल सकेंगी। शहर के भीतर अब यात्री बसों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। लोगों को भी शहर से बाहर जाने के लिए बसें भाटागांव के नए बस स्टैंड से ही मिलेंगी। 15 नवंबर से पूरी तरह बसों का संचालन नए बस स्टैंड से ही किया जाएगा। पुराने बस स्टैंड से बसों और दुकानों को हटाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। सोमवार से नगर निगम पुराने बस स्टैंड को हटाने के काम में लग जाएगा। नए बस स्टैंड में ट्रायल रन भी पूरा किया जा चुका है। इन सुविधाओं से लैस है नया बस स्टैंड। श्री बालाजी स्वामी ट्रस्ट श्री दूधाधारी मठ से मिली 25 एकड़ जमीन पर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण किया गया है। लगभग 49 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भव्य बस स्टैंड के 4 मंजिला इमारत में 104 कमरे बने हैं। इसमें ऑफिस, दुकानें, परिवार कार्यालय, फूड कोर्ट, वेटिंग रूम, फूड स्टॉल, महिला और पुरुष डॉर्मेट्री शामिल है। इस बस स्टैंड में महिला और पुरुष के साथ साथ थर्ड जेंडर टॉयलेट है। इस बस टर्मिनल में 14 बस वे बने हैं। यात्रियों के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। पूरे कैंपस में CCTV कैमरे लगे हैं। पुलिस फोर्स के लिए बैरक भी बनाया गया है। शुरुआती कुछ महीनों में 200 बसों का संचालन होगा। बाद में यहां से 900 बसें हर दिन चलेंगी।